दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए आज बुलाया था। हालांकि केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी को जवाब लिखकर जांच एजेंसी के नोटिस को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी बताया। दरअसल ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जाँच कर रही है। चर्चा है कि जांच एजेंसी ने केजरीवाल को तलब करने से पहले सबूतों को इकट्ठा किया है। इस मामले में जांच एजेंसी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल के कड़े जवाब के बाद अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि ईडी का अगला कदम क्या होगा। ईडी के दूसरा समन जारी करने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसी के साथ गिरफ्तारी की चर्चा भी चल रही है। कहा जा रहा है कि सीएम अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। समन पर न पहुंचने पर क्या ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है? इन सवालों का जवाब ईडी की ताकत और उसे दिए गए अधिकारों में छिपा है। सवाल यह है कि क्या है ईडी और ईडी काम कैसे करती है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक सरकारी एजेंसी है, जिसे खास तौर पर वित्तीय गबन या धोखाधड़ी की जांच करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी के तौर पर जाना जाता है। यही जांच इस निदेशालय का प्रमुख काम भी है। आजादी के बाद साल 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था, जिस पर वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का कंट्रोल था। साल 1956 में प्रवर्तन इकाई बनी, इसी में इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट बना। साल 1957 में इसका नाम बदलकर डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रखा गया, जो ईडी कहलाने लगा। साल 1960 में ईडी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया और तब से ये उसी में काम कर रहा है। सवाल है कि कब सक्रिय होती है ईडी? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत काम करती है और इसके साथ ही आपराधिक श्रेणी वाले फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले भी देख रही है। ईडी खासतौर पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई करती है। साल 2018 जब सरकार ने देखा कि आर्थिक अपराधी काफी संख्या में देश से भाग रहे हैं तो फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट लाया गया, इसे भी ईडी के तहत रखा गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, फेमा के तहत ईडी फॉरेन एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन की जांच करता है। अब सवाल यह है कि ईडी के पास अधिकार कितने हैं? क्या कभी भी गिरफ्तार कर सकती है ईडी? एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ संपत्ति और उनके धन को जब्त करने, गिरफ्तारी करने के अधिकार हैं। ईडी गैर कानूनी वित्तीय कार्यों पर कार्रवाई कर सकती है। पीएमएलए के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तारी का अधिकार है। ईडी की ताकत का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि एजेंसी पूछताछ के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है। हेमंत सोरेन को तो 5 बार अब तक ईडी नोटिस भेज चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने अब तक 5 बार समन भेजा है, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए। बल्कि जब सोरेन को 14 अगस्त का समन भेजा गया था तो उन्होंने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। रांची भूमि घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी सीएम सोरेन को बार बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन वो इसे गैर कानूनी बताते हुए हाजिर नहीं हो रहे। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट से इस ईडी के बार बार समन भेजने को कष्टकारी कहा था और इस पर रोक लगाने का आग्रह किया था। असल में पहले वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, लेकिन वहां उनसे हाईकोर्ट में अपील करने को कहा गया था और उन्होंने कोर्ट में बताया था कि उन्हें केंद्र के इशारे पर ईडी परेशान कर रही है। पहले उन्होंने ईडी को जांच में सहयोग किया था और ईडी कार्यालय भी गए। उन्होंने ईडी को अपनी आय व्यय का पूरा ब्यौरा भी सौंपा था। इसके बावजूद ईडी उन्हें दूसरे मामलों में समन भेज कर परेशान कर रही है। अब इसमें ये बात भी समझनी होगी कि ईडी के अधिकार बड़े जरूर हैं, लेकिन असीमित नहीं है। उसकी भी अपनी एक सीमा है। बीते अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से ईडी को फटकार भी पड़ी थी। जस्टिस एएस बोपन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने अपने एक अहम फैसले में टिप्पणी की थी कि ईडी ये उम्मीद नहीं पाल सकती कि जिस आरोपी को समन जारी किया गया है वो अपने गुनाह को कबूल कर ले। ईडी ये नहीं उम्मीद लगा सकती कि पूछताछ के दौरान आरोपी अपना बयान उसके सामने दर्ज करा दे। अगर समन के बावजूद कोई आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है तो आरोपी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है तो ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि उसे धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए। पीएमएलए की धारा 19 में प्रावधान है कि अधिकारी को ये विश्वास होना चाहिए कि आरोपी अपराध में संलिप्त है। मौजूदा मामले में ईडी ने कहा कि आरोपी ने इस मामले में जो जवाब दिया है वो स्पष्ट नहीं था।
सवाल यह है कि क्या नया सामन जारी कर सकती है ईडी। इस तरह से तो ये साफ है कि ईडी सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इसके आसार आज नहीं दिख रहे। इसके साथ ही उन्हें अगला समन भेजा जा सकता है, लेकिन गिरफ्तारी तुरंत ही संभव नहीं लगती। सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि केजरीवाल के इनकार करने के बाद ईडी उन्हें नया समन जारी कर पूछताछ के लिए आगे की तारीख दे सकती है। दरअसल अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज मध्य प्रदेश में सिंगरौली में एक रोड शो उन्होंने किया। सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के कहने पर इस नोटिस को भेजा गया। नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार न कर पाऊं। ईडी को अपना नोटिस तुरंत वापस लेना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने सवाल भी पूछा कि आखिर मुझे नोटिस क्यों भेजा गया। केजरीवाल ने कहा कि ये साफ नहीं है कि आपने मुझे किस नाते समन भेजा है, एक गवाह के तौर पर या फिर संदिग्ध के तौर पर। समन में डिटेल नहीं दी गई, ये भी नहीं बताया गया कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर। जिस दिन ईडी द्वारा समन जारी किया गया उसी दिन बीजेपी नेताओं ने बयान देने शुरू कर दिए कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आगामी दिवाली तक मैं व्यस्त हूँ। ये बात सीएम केजरीवाल ने कही। उन्होंने कहा कि मेरी छवि को खराब करने के लिए 30 अक्टूबर की शाम को बीजेपी नेताओं को ईडी का समन लीक किया गया। 30 अक्टूबर की दोपहर मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के सांसद हैं वो बयान देते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और 5 राज्यों में चुनाव होने हैं जहाँ प्रचार के लिए मैं स्टार प्रचारक हूँ। मुझे इन राज्यों में यात्रा करनी है और अपने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन देना है। मुझ पर प्रशासनिक और आधिकारिक जिम्मेदारियां हैं जिसके लिए मेरी उपस्थिति आगामी दिवाली के दौरान भी आवश्यक है। केजरीवाल ने ईडी से समन वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही समन को राजनीति से प्रेरित नोटिस बताया है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।